अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप डी कॉम पार्ट सेकेंड इंग्लिश आर्ट हैंड एंड इकॉम्स गुरु। दिस लेक्चर इज आल्सो लिंक विद द प्रीवियस लेक्चर इडियम्स एंड फ्रेजेस। नाउ आई विल टेल यू अबाउट सेंटेंस नंबर 28। अटर्न कोट, जल्द जल्द नजरियात बदलने वाला शख्स, इसको हम यूं इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट डिपेंड ऑन हिम, ही इज अटर्न कोट, उस पर डिपेंड ना करो, उस पर निर्भर ना करो, इतमाद ना करो, वो टर्न कोट है, यानी जल्द जल्द नजरियात बदलने वाला शख्स है, जिसको आम लैंग्वेज में लोटा कहते हैं, ए टर्न कोट है। आई रिपीट इट वंस अगेन, अ टर्न कोट, जल्द जल्द नजरियात बदलने वाला शख्स, डू नॉट डिपेंड ऑन हिम, उस पर डिपेंड ना करो, क्यों, ही इज अ टर्न कोट, वो जो है जल्द जल्द नजरियात बदलने वाला शख्स है, यानी हर 5 मिनट के बाद उसकी अपनी राय जो है वो चेंज हो जाती है, इसलिए इस शख्स पर डिपेंड जो है वो नहीं करना चाहिए। अ मैन ऑफ लेटर्स, आलिम आदमी, अल्लामा इकबाल वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, अल्लामा इकबाल जो था एक आलिम आदमी था, अ मैन ऑफ लेटर्स आलिम आदमी, अल्लामा इकबाल वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, अल्लामा इकबाल जो था एक आलिम आदमी था। अब ब्लैक शीप, बुरा शख्स, बदमाश किस्म का शख्स, अब ब्लैक शीप स्पॉइल द होल फ्लॉक, एक यानी कि गंदी मछली जो है पूरे तालाब को जो है वो ख़राब करती है, अब ब्लैक शीप बुरा शख्स, बदमाश, गंदा किस्म का, अब ब्लैक शीप स्पॉइल द होल फ्लॉक, एक गंदी मछली पूरे तालाब को ख़राब करती है। एट द रिस्क को ख़तरे में डालकर, एट द रिस्क को ख़तरे में डालकर, ही सेव्ड मी एट द रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के मुझे बचाया, ही सेव्ड मी एट द रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ, उसने मुझे बचाया अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के। अ रोटन एग, सेमनिंग एज सेंटेंस नंबर 30, गंदा, बदमाश, अ रोटन एग स्पॉइल द होल फ्लॉक, वही मीनिंग है कि एक गंदी मछली जो है पूरे तालाब को ख़राब करती है। अ डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, मुकरम प्रूव्ड अ डार्क हॉर्स इन द टेस्ट, मुकरम जो था टेस्ट में छुपा रुस्तम साबित हुआ, डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम, मुकरम प्रूव्ड अ डार्क हॉर्स इन द टेस्ट, करम टेस्ट में एक डार्क हॉर्स था, ये मुझे पर उसको था वो साबित हुआ, बाजार ऐसा लगता था कि वो कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन वो खुफिया उसने मेहनत की, तो इस वजह से उसको हमने नाम दिया छुपर उस। अ हार्ड नॉट क्रैक, मुश्किल काम, दैट इज़ नॉट ईजी, पासिंग बी कॉम एग्जामिनेशन इज हार्ड नॉट टू क्रैक, बी कॉम का एग्जाम पास करना जो एक मुश्किल काम है, हार्ड नट टू क्रैक, मुश्किल काम, पासिंग बी कॉम एग्जामिनेशन इज हार्ड नट टू क्रैक, बी कॉम का इम्तिहान पास करना जो है एक मुश्किल काम है। ऑल एंड सन्ड्री, अमीर और गरीब सब तबकों के लोग, जिसमें छोटे बड़े सब शामिल होते हैं, ऑल एंड सन्ड्री वेंट टू से द ईद प्रेयर, छोटे बड़े सब जो थे नमाज ईद अदा करने गए, ऑल एंड सन्ड्री अमीर और गरीब सब तबकों के लोग, ऑल एंड सन्ड्री वेंट टू से द ईद प्रेयर, सब छोटे बड़े जो थे वो नमाज ईद अदा करने गए। आई रिपीट इट वंस अगेन फ्रॉम सेंटेंस नंबर 28। अ टर्न कोट, जल्द जल्द नजरियात बदलने वाला शख्स, डू नॉट डिपेंड ऑन हिम, उस पर डिपेंड ना करो, उस पर भरोसा ना करो, इनसार ना करो, ही इज़ अ टर्न कोट, वो जल्द जल्द नजरियात बदलने वाला शख्स है। अ मैन ऑफ लेटर्स, आलिम आदमी, अल्लामा इकबाल वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, अल्लामा इकबाल जो था एक आलिम आदमी था, अल्लामा इकबाल वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, अल्लामा इकबाल एक आलिम आदमी था। अ ब्लैक शीप, बदमाश, गंदा किस्म का,
ब्लैक शीप स्पॉइल द होल फ्लॉ, एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब करती है। एट द रिस्क ऑफ, अपनी लाइफ को खतरे में डालकर, ही सेव्ड मी एट द रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ, उसने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर मुझे बचाया। ही सेव्ड मी एट द रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ, उसने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर मुझे बचाया। अ रोटन एग, गंदा बदमाश, अ रोटन एग स्पॉइल्स द होल फ्लॉ, सेम मीनिंग एज सेंटेंस नंबर 30, यानी एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब करती है। अ डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, बुकरम प्रूव्ड अ डार्क हॉर्स इन द टेस्ट, बुकरम टेस्ट में एक छुपा रुस्तम साबित हुआ। ए हार्ड नट टू क्रैक, मुश्किल काम, पासिंग बी कॉम एग्जामिनेशन इज हार्ड नट टू क्रैक, बी कॉम का इम्तिहान पास करना एक मुश्किल काम है। ऑल एंड सन्ड्री, अमीर और गरीब सब तबकों के लोग, ऑल एंड सन्ड्री वेंट टू से द ईद प्रेयर, सब छोटे बड़े जो थे नमाज ईद अदा करने गए। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चुगनी, पाकिस्तान इज मेकिंग प्रोग्रेस बाई लीप्स एंड बाउंड्स, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चुगनी, पाकिस्तान इज मेकिंग प्रोग्रेस बाई लीप्स एंड बाउंड्स, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। ब्रिंग अप, परवरिश करना, हिज अंकल ब्रॉट हिम अप, उसके चचा ने उसकी परवरिश की। रंगा परवरिश करना, हिज अंकल ब्रॉट हिम अप, उसके चचा ने उसकी परवरिश की। बर्ड्स आई व्यू, सरसरी नज़ारा, वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी ऑफ लाहौर फ्राम एरोप्लेन, हम जहाज में बैठकर लाहौर शहर का सरसरी नज़ारा लिया। वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी ऑफ लाहौर फ्राम एरोप्लेन, हम जहाज में बैठकर हमने लाहौर शहर का सरसरी नज़ारा लिया। वन फिंगर्स, नुकसान उठाना, यू विल बर्न योर फिंगर इन दिस बिजनेस, तुम इस कारोबार में नुकसान उठाओगे। यू विल बर्न योर फिंगर्स इन दिस बिजनेस, तुम इस कारोबार में नुकसान उठाओगे। बाई हुक एंड क्रॉक, जायज़ व नाजायज़ तरीके से, ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन बाई हुक एंड क्रॉक, उसने जायज़ या नाजायज़ तरीके से इम्तिहान पास कर लिया। यहाँ दो किस्म के इम्तिहान आ गए, गेट थ्रू एंड बाई हुक एंड क्रॉक। गेट थ्रू, पास करना, इन इम्तिहान वगैरह का पास करना। अगर दोनों किस्म के सेंटेंस आ जाएँ, दो बार लिखना है, पहले लिखेंगे हेडिंग डालेंगे बाई हुक एंड क्रॉक, इस्तेमाल यही करेंगे ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन बाई हुक एंड क्रॉक। इस तरह अगर गेट थ्रू आ जाए तो हेडिंग गेट थ्रू डालेंगे और सेंटेंस यही फिक्र करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, मसलन ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन बाई हुक एंड क्रॉक। आई रिपीटेड वंस अगेन फ्रॉम सेंटेंस नंबर 36, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चुगनी, पाकिस्तान इज मेकिंग प्रोग्रेस बाई लीप्स एंड बाउंड्स, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। बरेंगा, परवरिश करना, हिज अंकल ब्रॉट हिम अप, उसके चचा ने उसकी परवरिश की। हिज अंकल ब्रॉट हिम अप, उसके चचा ने उसकी परवरिश की। बर्ड्स आई व्यू, सरसरी नज़ारा, वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी ऑफ लाहौर फ्राम एरोप्लेन, हम जहाज में बैठ कर लाहौर शहर का सरसरी जायजा लिया। बर्न वन फिंगर्स, नुकसान उठाना, यू विल बर्न यूर फिंगर्स इन दिस बिजनेस, तुम इस कारोबार में नुकसान उठाओगे। बाई हुक एंड क्रॉक, जायज़ या नाजायज़ तरीके से, ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन बाई हुक एंड क्रॉक, उसने जायज़ या नाजायज़ तरीके से इम्तिहान पास किया। यहाँ दो idioms इस्तेमाल हुए हैं, गेट थ्रू एंड बाई हुक एंड क्रॉक। बाई मीन्स ऑफ के ज़रिए, रोमान गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन बाई मीन्स ऑफ हार्ड वर्क, रोमान ने इम्तिहान पास किया किसके ज़रिए, मेहनत के ज़रिए। यहाँ भी दो idioms इस्तेमाल हुए हैं, गेट थ्रू एंड बाई मीन्स ऑफ, दो मरतबा दोनों को लिखेंगे, सेंटेंस यही रहेगा। मसलन बाई मीन्स ऑफ है, पहले हेडिंग बाई मीन्स ऑफ डालेंगे, फिर यूज़ यही करेंगे, रोमान गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन बाई मीन्स ऑफ हार्ड वर्क, रोमान ने मेहनत के ज़रिए इम्तिहान पास किया। फिर गेट थ्रू आ जाए तो हेडिंग गेट थ्रू डालेंगे, इस्तेमाल यही करेंगे, रोमान गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन बाई मीन्स ऑफ हार्ड वर्क। बैक आउट, मुकर जाना, डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रामिस, अपने वादे से मत मुकर जाओ। बैक आउट, मुकर जाना, डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रामिस, अपने वादे से मत मुकर जाओ। बरेंग अबाउट, बहस होना, माई एडवाइस ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन हिम,
मेरी नसीहत से उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। माई एडवाइस ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन हिम, मेरी नसीहत से उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। ब्रेक इटू, नकब लगाना। द थीफ हैज ब्रोकन इनटू द हाउस, चोर ने मकान में नकब लगाया है। ब्रेक इटू, नकब लगाना। द थीफ हैज ब्रोकन इनटू द हाउस, चोर ने मकान में नकब लगाया है। ब्रेक विद ताल्लुक तोड़ना। आई हैव ब्रोकन विद हिम वंस फॉर ऑल, मैंने हमेशा के लिए कती तौर पर जो उससे ताल्लुक तोड़ दिया। यह दो इडियम इस्तेमाल हुए हैं, वंस फॉर ऑल एंड ब्रेक विद, दोनों को दो मरतबा लिखेंगे, इस्तेमाल यही रहेगा। मसलन पहले ब्रेक विद डालेंगे, इस्तेमाल यही करेंगे, आई हैव ब्रोकन विद हिम वंस फॉर ऑल। फिर वंस फॉर ऑल का हेडिंग डालेंगे, इस्तेमाल यही करेंगे, आई हैव ब्रोकन विद हिम वंस फॉर ऑल। बियर विद, बर्दाश्त करना। इट इज़ इम्पॉसिबल टू बियर विद अ फूल, बेवकूफ़ को बर्दाश्त करना नामुमकिन है। ब्रिंग आउट, शेयर करना। आई शैल ब्रिंग आउट अ न्यू बुक दिस ईयर, मैं इस साल नई किताब शेयर करूँगा। आई शैल ब्रिंग आउट अ न्यू बुक दिस ईयर, इस साल मैं नई किताब शेयर करूँगा। बर्निंग क्वेश्चन, अहम मसला। कश्मीर इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ टूडे, कश्मीर जो है आजकल का अहम मसला है। कश्मीर इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ टूडे, कश्मीर जो है आजकल का अहम मसला है। बैड ब्लड, दुश्मनी। डू नॉट क्रिएट बैड ब्लड बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों में दुश्मनी मत पैदा करो। बैड ब्लड, दुश्मनी। डू नॉट क्रिएट बैड ब्लड बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों में दुश्मनी मत पैदा करो। बाई एंड बाई, ऐसा ऐसा। बाई एंड बाई यू विल रिकवर, ऐसा ऐसा तुम सेहत याब हो जाओगे। बैग एंड बैगेज, बिस्तर बोरिया समेत। ही लेफ्ट द हाउस बैग एंड बैगेज, उसने बिस्तर बोरिया समेत अपने मकान को छोड़ दिया। बियर आउट, तस्दीक करना। ऑल द पीपल वेयर बियर आउट माई ऑनेस्टी, सारे लोग मेरी ईमानदारी की तस्दीक करेंगे। बियर आउट, तस्दीक करना। All the people will bear out my honesty, तमाम लोग जो हैं मेरी ईमानदारी की तस्दीक करेंगे। Beat about the bush, इधर उधर की हाँकना। Do not beat about the bush in the class, क्लास में इधर उधर की मत हाँका करो। Beat about the bush, इधर उधर की हाँकना। Do not beat about the bush in the class, क्लास में इधर उधर की मत हाँको। Birds of feather, हम ख्याल लोग। Birds of feather, फ्लाक लोग, हम ख्याल लोग ये जैसे चाल चलते हैं। I repeat it once again, by means of के ज़रिए। रुमान got through the examination by means of hard work, रुमान ने अपना इम्तिहान जो है मेहनत के ज़रिए पास किया। यहाँ दो idioms इस्तेमाल हो गए हैं, get through and by means of, दोनों को दो मरतबा लिखेंगे, heading डालेंगे, इस्तेमाल यही रहेगा। मसला हेडिंग डालेंगे बाय मीन्स ऑफ, इस्तेमाल यही करेंगे, रुमान गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन बाय मीन्स ऑफ हार्ड वर्क। इसी तरह गेट थ्रू का हेडिंग डालेंगे, फिर इस्तेमाल यही करेंगे, रुमान गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन बाय मीन्स ऑफ हार्ड वर्क। नेक्स्ट सेंटेंसेस, बैक आउट, मुकर जाना। डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रामिस, अपने वादे से मत मुकरो। बैक आउट, मुकर जाना। डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रामिस, अपने वादे से मत बुकरो। ब्रिंग अबाउट, बैस होना, वजह होना। माई एडवाइस ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन हिम, मेरी नसीहत से उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। उस पर तब्दीली की वजह क्या बनी, मेरी नसीहत बनी। ब्रेक इनटू, नकब लगाना। द थीफ हैज ब्रोकन इनटू द हाउस, चोर ने मकान में नकब लगाया है। ने मकान में नकब लगाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थीफ हैज ब्रोकन इनटू द हाउस, चोर ने मकान में नकब लगाया है। ब्रेक विद, ताल्लुक तोड़ना, ताल्लुक खत्म करना। आई हैव ब्रोकन विद हिम वंस फॉर ऑल, मैंने उससे कती तौर पर ताल्लुक तोड़ दिया है। यहां भी दो इडियम्स इस्तेमाल हुए हैं, ब्रेक विद वंस फॉर, तो अपने अगर दोनों आ जाएं तो दोनों को दो मरतबा हेडिंग डालेंगे, दो मरतबा इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले में लिखेंगे ब्रेक विद, इस्तेमाल यही करेंगे, आई हैव ब्रोकन विद हिम वंस फॉर ऑल, मैंने कती तौर पर उसके से ताल्लुक तोड़ दिया। फिर हेडिंग डालेंगे वंस फॉर ऑल,
इस्तेमाल यही करेंगे, आइया बरोकन वेदे वानसफारन, मैंने कथित तौर पर उससे ताल्लुक तोड़ दिया है। यानी दो मरतबा हेडिंग डालेंगे, एक मरतबा नहीं। अगर एक मरतबा हेडिंग डालेंगे तो एक सेंटेंस शुमार होगा, दो सेंटेंस शुमार नहीं होंगे, क्योंकि दो नंबर का एक सेंटेंस होता है, फिर आपको सिर्फ दो नंबर मिलेंगे, चार नंबर नहीं मिलेंगे। बियर वेद बर्दाश्त करना, इट इज़ इम्पॉसिबल टू बियर वेद अ फूल, बेवकूफ़ को बर्दाश्त करना नामुमकिन है। बियर वेद बर्दाश्त करना, इट इज़ इम्पॉसिबल टू बियर वेद अ फूल, बेवकूफ़ को बर्दाश्त करना नामुमकिन है। ब्रिंग आउट शय करना, आई शैल ब्रिंग आउट अ न्यू बुक दिस ईयर, मैं इस साल नई किताब शय करूँगा। फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस है, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इनडेफिनेट। ब्रिंग आउट शय करना, आई शैल ब्रिंग आउट अ न्यू बुक दिस ईयर, इस साल मैं नई किताब शय करूँगा। बर्ने क्वेश्चन, अहम मसला, अहम इशू, कश्मीर इज़ अ बर्ने क्वेश्चन ऑफ टुडे, कश्मीर जो है आजकल का अहम मसला है। बर्ने क्वेश्चन, अहम मसला, कश्मीर इज़ अ बर्ने क्वेश्चन ऑफ टुडे। बैड ब्लड, दुश्मनी, डू नॉट क्रिएट बैड ब्लड बिटवीन टू ब्रदर, दो भाइयों में दुश्मनी मत पैदा करो। बैड ब्लड, दुश्मनी, डू नॉट क्रिएट बैड ब्लड बिटवीन टू ब्रदर, दो भाइयों में दुश्मनी मत पैदा करो। बिटवीन इज यूज फॉर टू पर्सन एंड थिंक, हियर टू ब्रदर हैज बीन मेंशन, देयरफॉर वी हैव यूज बिटवीन, एंड अमंग इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन आर थिंग्स। बाय एंड बाय, ऐसा ऐसा, बाई एंड बाई यू विल रिकवर, ऐसा ऐसा तुम सेहत याब हो जाओगे। पहले खास क्या रखना, वो दूसरा बाई नहीं है जो खरीदने वाला है, उसके पहले होता है बी यू बाई, ये सिर्फ है बाई एंड बाई। एक होता है वो गुड बाई वाला बाई, उसके स्पेलिंग और होते हैं, उसके होते हैं बी वाई ई। तो क्या इस्तेमाल करेंगे, बाई एंड बाई, ऐसा ऐसा, बाई एंड बाई यू विल रिकवर, तो ऐसा ऐसा तुम सेहत याब हो जाओगे। बैग एंड बैगेज, बिस्तर बोरिया समेत, ही लेफ्ट द हाउस बैग एंड बैगेज, उसने मकान को छोड़ दिया बिस्तर बोरिया समेत। बियर आउट तस्दीक करना, ऑल द पीपल विल बियर आउट माई यूनिवर्सिटी, तमाम लोग, सब लोग मेरी ईमानदारी की तस्दीक करेंगे। बियर आउट तस्दीक करना, ऑल द पीपल विल बियर आउट माई यूनिवर्सिटी, तमाम लोग, सब लोग मेरी ईमानदारी की क्या करेंगे, तस्दीक करेंगे। बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की हाँ करना, इधर उधर की बातें करना। डू नॉट बीट अबाउट द बुश इन द क्लास, क्लास में इधर उधर की मत हाँको, क्लास में इधर उधर की मत हाँको। बर्ड्स ऑफ फीदर, हम ख्याल लोग, बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टू गेदर, हम ख्याल लोग एक जैसी चाल चलते हैं। बर्ड्स ऑफ फीदर, हम ख्याल लोग, बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टू गेदर, हम ख्याल लोग एक जैसी चाल चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।